हम बिजनेस रन कर रहे हैं, पार्टनरशिप चल रही है, लेकिन बिजनेस को ग्रो करना है, ठीक है ना। ग्रो करने के लिए कैपिटल चाहिए या फिर एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो एक्सपर्ट हो, ठीक है ना। कई सारे ऐसे रीजन होते हैं जहां पर हमें एक नए पार्टनर की जरूरत पड़ती है। मान लीजिए दो लोग मिलकर बिजनेस चला रहे हैं, कौन कौन, ए और बी, और ए और बी ने तय किया है बिजनेस ऐसा काम नहीं चलेगा, हमें बिजनेस को बढ़ाना है। और बिजनेस को बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? कैपिटल। दूसरी चीज क्या है? एक्सपर्टीज, ठीक है ना। क्योंकि जो एक्सपर्टीज हमें चाहिए कैपिटल से ज्यादा जरूरी है। तो ऐसे में ए और बी तय करती है कि एक नया बंदा रखते हैं, और नया बंदा कौन आता है? सी, एज अ न्यू पार्टनर, एज अ न्यू पार्टनर, क्योंकि बिजनेस को जरूरत है। जब भी बिजनेस में कोई चेंजेस होता है तो उस चेंजेस के लिए बिजनेस के जो एग्रीमेंट्स रहते हैं, जितने भी एग्रीमेंट्स होते हैं जो पहले बना लेते हैं, एग्रीमेंट्स आर चेंज, ये क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। ऐसे में एग्रीमेंट के बदलने को बिजनेस का बदलना बोलते हैं, और इसको पार्टनरशिप की लैंग्वेज में बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। रिकॉन्स्टिट्यूशन होने में क्या होता है ना, यहाँ पर बहुत सारी चीजें बदल जाती है। पहली बात तो ये, एक नया पार्टनर आ रहा है। एक नया पार्टनर आने का मतलब होता है पहले जो पार्टनर थे ए और बी, इनके साथ ये भी मिलके आप तीन पार्टनर हो जाएंगे। नए पार्टनर को सेम सब कुछ वही मिलेगा जैसा पुराने पार्टनर का था, ऑल राइट्स आर सेम। अब होता क्या है, नया पार्टनर जब आएगा बिजनेस का एग्रीमेंट बदल जाएगा। जब एग्रीमेंट बदलेगा कुछ कैलकुलेशन आ जाती है। क्या क्या कैलकुलेशन आती है? सबसे पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, क्योंकि नया पार्टनर आ रहा है उसको शेयर दोगे। उसके बाद तीन, पहले दो लोगों का था अब तीन लोगों का हो जाएगा, ये तीन था ये चार हो जाएगा। तो सबसे पहली बात होती है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेशन करना है। दूसरा सैक्रिफाइस, क्योंकि नए पार्टनर के आने से उनको शेयर कहां से मिलेगा, पुराने पार्टनर अपने हिस्से में से निकाल के देंगे, तो सैक्रिफाइस रेशियो निकालना पड़ेगा। दूसरी बात होती है क्यों, क्योंकि बिजनेस को रन किया हुआ है जो गुडविल अमाउंट, कोई भी पार्टनर जो सैक्रिफाइस करता है वो फ्री में नहीं करता है, बदले में जो पार्टनर आ रहा है उसको सैक्रिफाइस करने के बदले में एक अमाउंट लेता है, वो अमाउंट हमारा गुडविल का अमाउंट होता है। इसका मतलब हमें यहाँ पर गुडविल का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, गुडविल का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। उसके अलावा बिजनेस रन हुआ है, बिजनेस में एसेट्स बने हुए हैं, लायबिलिटी बने हुई है, तो एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ी है या कम हुई है, इसका रीअसेसमेंट करना होता है, जिसको बोला जाता है रिवैल्यूएशन, यानी कि हमारे में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होगा। बिजनेस में पुराना प्रॉफिट होगा, पुराना रिजर्व होगा, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो पार्टनर का कैपिटल होता है ना, जब तक बिजनेस में, वो कैपिटल में चेंजेस आते हैं, वो कैपिटल अकाउंट भी हमें प्रिपेयर करना होगा, ठीक है ना। तो ये कई सारी चीजें होती हैं जो आपको एज ए एडमिशन ऑफ पार्टनर में करना पड़ता है। इन सब चीजों को इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो आज की इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं, सबसे पहला पॉइंट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब चेंज करते हैं तो कैलकुलेट करते हैं वो कैसे करते हैं। और ये आपका, मैं जो शुरू कर रहा हूं वो आपका इलस्ट्रेशन नंबर, ठीक है ना, यानी कि एग्जांपल नंबर होगा, एग्जांपल नंबर 1 to 5, 1 to 5 तक एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए जल्दी से पांचों के पांचों अलग अलग, क्योंकि अलग अलग केस है कि पार्टनर आता है शेयर दे दिया जाता है, कोई कुछ नहीं पता किसने कितना दिया, इक्वली दिया जाता है, अलग अलग शेयर में दिया जाता है, अलग अलग रेशियो में दिया जाता है, इन सब के लिए हम अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले इलस्ट्रेशन सारे करेंगे, उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन करें, बस बने रहना है आपको मेरे चैनल के साथ, द इकॉमर्स गुरु यानी कि नकुल सर के साथ। चलिए शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन नहीं, इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट ध्यान रखिएगा, पेज नंबर है 114। अनिल एंड विशाल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। दो पार्टनर है, अनिल है और विशाल है, दे एडमिटेड सुमित एज अ न्यू पार्टनर 1/5 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ अनिल विशाल एंड सुमित। पहले दो पार्टनर थे अनिल और विशाल, और दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2, और उन्होंने क्या किया, नए पार्टनर रख लिया कि भाई सुमित आओ हमारे पार्टनर बनो, हम आपको अपने हिस्से का 1/5 शेयर दे देंगे। लेकिन कौन कितना देगा ये नहीं बताया गया है। तो पहला कंडीशन ये होता है कि जब नए पार्टनर का शेयर तो दे रखा है, लेकिन किसने कितना सैक्रिफाइस किया अपने हिस्से में से वो नहीं दे गया। तो सिंपल तरीका होता है, यहां पर कैलकुलेट किया जाता है रिमेनिंग रेशियो। इसका मतलब होता है कैसे रिमेनिंग रेशियो निकालेंगे, यहां पर देखो करने का तरीका, सबसे पहले देखो यहां पर ओल्ड रेशियो ऑफ, कौन कौन है, दो लोग, अमिनिल एंड विशाल, ठीक है, इन दोनों का रेशियो कितना दे रखा है 3:2। उन्होंने एक पार्टनर रखा और पार्टनर का नाम क्या है, सुमित, शेयर ऑफ सुमित, और सुमित को कितना शेयर दिया जा रहा है 1/5,
कितना दिया जा रहा है 1/5। अब देखिए एक एग्जांपल, जब आपके घर में मेहमान आते हैं सबसे पहले खाना मेहमान को दिया जाता है, उसके बाद जो बचा है वो घर वाले खाते हैं। इसका मतलब होता है आपने के लिए सुमित मेहमान है, मेहमान साहब घर पे आ गए, टोटल खाने का हमने 1/5 दे दिया। अब देखेंगे कि 1/5 उसको देने के बाद कितना बचा, दैट इज रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग शेयर निकालने का तरीका होता है, हमेशा हम मानते हैं कि टोटल कितना है 1 है, तो 1 में से माइनस करो, 1 - 1/5 इक्वल टू ये हो जाएगा 5 × 5 = 4, दैट इज 5 - 1/5, दैट इज 4/5 शेयर बचा हुआ है, यानी कि सुमित को देने के बाद, सुमित को देने के बाद जो 4/5 बचा है यही शेयर किसका होगा, अनिल और विशाल का होगा, वो भी किस रेशियो में, 3:2 रेशियो में। इसका मतलब हम इन दोनों का न्यू रेशियो निकालेंगे, यानी कि न्यू शेयर निकालेंगे, न्यू शेयर ऑफ अनिल, अनिल का कितना हो जाएगा जो बचा हुआ है 4/5 का 3/5, यानी कितना हो जाएगा 12/25, राइट। समझ में आ गया, डाउट होता तो बता दीजिएगा। और विशाल का कितना होगा, विशाल का है 4/5 का कितना शेयर 2/5, इसके बाद कितना बचेगा 8/25। अनिल का हो गया, विशाल का हो गया, सुमित का ऑलरेडी दे रखा है, तो यहां से कंबाइंड रेशियो निकालो, दैट इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ तीनों पार्टनर का, अनिल, विशाल एंड सुमित, कितना हो जाएगा, दैट इज 12/25, 8/25 एंड ये 1/5, कंबाइन करेंगे अक्षय एंड भारती आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2, दो पार्टनर है, अक्षय भी है और भारती है, दोनों का शेयर पुराना कितना 3:2, यानी कि 3 और 2 के वो दोनों पार्टनर है, दे एडमिट दिनेश, दिनेश नया पार्टनर हुआ और उसको शेयर दिया जा रहा है 1/5 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ फर्म विच ही गेट इक्वली फ्रॉम अक्षय एंड भारती। जो दिनेश को शेयर दिया जा रहा है ना 1/5, उसका आधा शेयर अक्षय दे रहा है और आधा भारती दे रहा है। आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है किसका, अक्षय भारती और दिनेश का कंबाइंड। तो कैसे करेंगे, क्योंकि 1/5 का आधा, तो 1/5 का पहले आधा आधा कर लो, वो आधा शेयर अक्षय से भी माइनस कर देना है, भारती से भी माइनस कर देना है, बस आ गया। तो कैसे करेंगे, यहां पर सबसे पहले हम देखेंगे, ठीक है, दिनेश का शेयर कितना है, दिनेश का शेयर है 1/5, ठीक है, क्या कर रहा है, एक्वायर्ड फ्रॉम किससे, अक्षय एंड भारती इक्वली, दोनों से इक्वली ले रहा है, दैट मीन्स 1/5 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/10, यानी कि 1/10 अक्षय से और 1/10 भारती से। तो यहां से निकालो, दैट इज न्यू शेयर ऑफ अक्षय। अगर वो अक्षय अपने हिस्से में से 1/10 दे रहा है तो अक्षय के पास कितना बचेगा, अक्षय का पुराना है 3/3:2 यानी कि 3/5, उसमें से माइनस कर दो 1/10, तो कितना बचेगा 10, 5 to the 10, 3 to the 6 यानी -1, दैट इज बचेगा इसके पास 5/10, ये अक्षय का न्यू शेयर है। इसी तरह निकालेंगे किसका, भारती का, न्यू शेयर ऑफ भारती, तो भारती का न्यू शेयर कितना होगा, इसका ओल्ड शेयर है 2/5 और उसमें से उसने 1/10 दे दिया, सेम माइनस कर दिए 10, 5 to the 2 to the 4 -1 यानी कि 3/10। अब यहां पर देखिए क्या हो रहा है, हुआ ये अक्षय का 5/10, भारती का 3/10 और दिनेश का ऑलरेडी दे रखा 1/5, यहां से निकालेंगे तीनों का कंबाइंड, दैट इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ, तीनों का नाम लिख दीजिए, अक्षय, भारती एंड दिनेश, ठीक है, अक्षय का कितना है 5/10, भारती का कितना है 3/10 और दिनेश का कितना है 5/10, यहां से निकालेंगे एलसीएम कितना आ गया 10, ये हो गया 5, 3 and 2, द आंसर इज 5, 3 and 2, क्लियर, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, समझ में नहीं आता है तो मैं हूं आपको समझाने के लिए, बस आपको कमेंट बॉक्स में पूछना पड़ेगा कि सर कैसे हुआ, तुरंत रिप्लाई आएगा, हो सकता है थोड़ा लेट लेकिन आएगा जरूर। अब क्वेश्चन नंबर 3, इलस्ट्रेशन नंबर 3, सेम पेज नंबर 115 115 है, क्वेश्चन है अंशु एंड नीतू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2,
यानी कि दो लोग है, अंशु है और नीतू है, दे एडमिटेड ज्योति एज अ न्यू पार्टनर, ज्योति को न्यू पार्टनर में रखा, उसका शेयर है 3:10 which he acquired 2/10 from Anshu and 1/10 from Neetu. Correct दे रखा है कि जो शेयर ज्योति को मिल रहा है 3/10 का, 3/10 में से 2/10 अंशु दे रहा है और 1/10 नीतु दे रही है. 2/10 और 1/10 यानी कि 3/10 हो गया. हमें क्या करना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है अंशु नीतु एंड ज्योति का. तो कैसे निकालेंगे, डायरेक्टली जो हिस्सा वो ले रही है ज्योति को मिल रहा है वो जिसने जितना दिया डायरेक्टली वहां से माइनस कर देंगे. कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे यहां पर अंशु और नीतु का ओल्ड क्या है, दैट इज ओल्ड रेशियो ऑफ अंशु एंड नीतु कितना दे रखा है यहां पर 3:2 और न्यू पार्टनर है शेयर ऑफ ज्योति, ज्योति का शेयर कितना दे रखा है 3/10 ज्योति को मिला है. इसका मतलब होता है ज्योति को 3/10 मिल रहा है उसमें अंशु कितना पेमेंट कर रहा है 2/10 और वहीं पर नीतू कितना दे रही है 1/10. तो हम क्या करेंगे डायरेक्टली निकालेंगे, दैट इज न्यू शेयर ऑफ अंशु, अंशु का न्यू को निकालो, अंशु का पुराना है 3/5 उसमें से अपने हिस्से में से 2/10 उसने दे दिया है, 2/10 दे दिया, बचा कितना, दोनों का एलसीएम निकालेंगे 10, 5 टू द 10, 2 3 जा 6 माइनस 2 दैट इज अंशु के पास बचा 4/10 शेयर, कितना बचेगा 4/10. इसी तरह निकालेंगे हम न्यू शेयर ऑफ नीतू, नीतू का पुराना न्यू निकालिए, पुराना है 2/5 उसने अपने हिस्से में से 1/10 दे दिया, एलसीएम इज 10, 5 टू द 10, 2 टू द 4 माइनस 1 यानी कि नीतू के पास कितना बचा 3/10, इसका न्यू आ गया, इसको नहीं दे रखा है, जो ज्योति तो न्यू पार्टनर ही है, तीनों का कंबाइन कर देंगे दैट इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ अंशु नीतू एंड ज्योति कितना जाएगा, कैलकुलेट करो, अंशु का है 4/10, नीतू का है 3/10 और ज्योति का है 3/10. देखिए यहां पर कोई आंसर निकल नहीं, आंसर इज 4, 3 and 3. ये सिंपल आंसर है ऑलरेडी, क्योंकि इलस्ट्रेशन क्वेश्चन है, सॉल्यूशन आपकी बुक में दे ही रखा है, बस समझाने के लिए किस तरह से आया. कभी कभी स्टूडेंट को सॉल्यूशन का कैलकुलेशन समझ में नहीं आता, बस वो आपको ध्यान में रखना है, राइट. अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इलस्ट्रेशन नंबर 4. Illustration number 4. Ram and Shyam are partners in a firm sharing profit in the ratio 3:2. Do partner hai. Ram hai aur Shyam hai. They admit Ghanshyam as a new partner. Ram surrender. Dekhi ye question thoda sa lage aapko, apna thinking ka level thoda badhna padega. Kyun? Kyunki yahan par question ko puchne ka tarika badal diya gaya hai. Calculation bilkul same iski tarah hai lekin ek step zyada hai. Kyun hai? Kyunki Ram surrender 1/4 of his share. Ram ne apne hisse mein se 1/4 diya. Apne hisse ka 1/4 aapko nikalna padega. And Shyam 1/3 of his share. Shyam ne apne hisse mein se 1/3 diya Ghanshyam ko. Calculate new profit sharing ratio. Sabse badi dikkat yahan par Ghanshyam new partner. हमने तीन क्वेश्चन पढ़ लिया, तीनों क्वेश्चन में न्यू पार्टनर का शेयर दे रखा था लेकिन चौथे वाले क्वेश्चन में न्यू पार्टनर का शेयर गिवन नहीं है. इसका मतलब हमें घनश्याम का शेयर निकालना पड़ेगा. कैसे निकालेंगे, किस पार्टनर ने कितना कितना शेयर दिया इसको पता करके. तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पर दैट इज ओल्ड रेशियो ऑफ राम एंड श्याम कितना दे रखा है 3:2. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे राम ने कितना सैक्रिफाइस किया, दैट इज सैक्रिफाइस बाय राम. राम ने कितना सैक्रिफाइस किया 3/5 अपने हिस्से का. देखिए लिखा हुआ है 1/4 ऑफ हिज शेयर यानी कि उसका शेयर इतना, इतने शेयर का 1/4 इसने कितना सैक्रिफाइस किया 3/20. अगर राम ने 3/20 सैक्रिफाइस किया तो अब निकालेंगे किसका, श्याम ने. श्याम ने कितना सैक्रिफाइस बाय श्याम, श्याम ने किया है अपने हिस्से का यानी कि 2/5 का कितना सैक्रिफाइस किया 1/3. ये हो जाएगा आपका 1/3 यानी कि 2/15. दोनों ने कितना कितना दिया ये आ गया. अब ये पता करेंगे दोनों ने अपने हिस्से में जब सैक्रिफाइस किया है दोनों के पास कितना बचा है, दैट इज न्यू शेयर ऑफ राम. राम का पुराना है 3/5 उसमें से 3/20 उसने घनश्याम को दे दिया तो राम के पास बचा कितना, दोनों का एलसीएम आएगा 5 और 12 का, सॉरी 12 नहीं 20, सॉरी फॉर दिस,
दैट इज 20, तो ये हो जाएगा 25 4 3 12 3, तो इसके बाद बचेगा 9/20, ये राम का न्यू शेयर है। सेम निकालेंगे न्यू शेयर ऑफ श्याम, श्याम का न्यू शेयर निकालेंगे, अब श्याम के पास पुराना था 2/5, उसने से 2/15 उसने घनश्याम को दे दिया, तो उसका कितना बचेगा, दैट इज 5 3 3 2 6 2 4/15 बचा श्याम के पास। तो घनश्याम को कितना मिला, जितना उन दोनों ने दिया, दैट इज हम लिखेंगे शेयर ऑफ घनश्याम, घनश्याम को राम ने दिया 3/20, घनश्याम को श्याम ने दिया 2/15, दोनों का एलसीएम निकालेंगे, 20 और 15 का एलसीएम निकालेंगे, दैट इज 60 आ गया, 20 3 60 3 3 9 + 15 4 60 4 2 8, यानी कि घनश्याम किससे में आ जाएगा 70/60, तीनों का नया आ गया, कंबाइन कर दीजिए न्यू रेशियो आ जाएगा, दैट इज न्यू रेशियो ऑफ तीनों का निकालेंगे राम श्याम एंड बेटा घनश्याम, ठीक है। अब तीनों का कंबाइन करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा राम का है 9/20, श्याम का है 4/15 और इसका है 17/60, और एलसीएम निकालेंगे तीनों का आ जाएगा 60, 20 3 3 9 27 15 4 4 4 16 और ये 17, दैट इज द आंसर इज 27 16 एंड 17, दिस इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ राम श्याम घनश्याम, राइट। अब बचता है नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 116, ये वाला क्वेश्चन बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, बड़ा छोटा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, क्यों है, देखिए दास एंड सिन्हा आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट 4:1 ratio, दास का फोर्थ पार्ट है, सिन्हा का वन है, दे एडमिट पाल एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 इन द प्रॉफिट, उन्होंने एक नया पार्टनर रखा किसको, पाल को, और उसको 1/4 शेयर दिया बिजनेस का, विच ही एक्वायर्ड होली फ्रॉम दास, जिसका पूरा जितना उसको मिल रहा है अपना पूरा हिस्सा वो किससे ले रहा है, ओनली दास से, डिटरमाइन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसका मतलब होता है जब नया पार्टनर आ रहा है वो केवल एक ही पार्टनर से अपना हिस्सा ले रहा है, तो एक ही पार्टनर से उसके पूरे हिस्से को माइनस कर दो तो ओल्ड पार्टनर का न्यू रेशियो भी आ जाएगा, कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे दैट इज ओल्ड रेशियो ऑफ, दो पार्टनर थे दास एंड सिन्हा, कितना है 4:1, दैट इज शेयर ऑफ पाल, पाल को मिल रहा है 1/4, ठीक है ना, दैट इज निकालेंगे न्यू शेयर ऑफ दास, क्योंकि सारा शेयर वो दास से ले रहा है, तो 4/5 उसका पुराना था उसमें से उसने 1/4 दे दिया सिन्हा को, सॉरी पाल को, तो बचा कितना 5 4 20 4 4 16 - 5, दैट इज 11/20 शेयर बचा दास के पास। अब दास के पास 11/20 जब है, अब यहां इसको कंबाइन करके तीनों का कंबाइंड रेशियो निकालो, दैट इज न्यू रेशियो ऑफ कौन है, दास सिन्हा एंड पाल, दास का नया हमने निकाला 11/20, सिन्हा के इस रेशियो में कोई चेंज नहीं हुआ, दैट इज 1/5, और पाल को कितना मिल रहा है 1/4, ठीक है, एलसीएम निकालेंगे 20 20 बन जा 20 11 5 4 4 बन जा 4, और 4 5 दैट इज 5, यानी कि न्यू प्रोफेशनल रेशियो 11 4 एंड 5, राइट, बिल्कुल सिंपल है, इजी क्वेश्चन है। इलस्ट्रेशन में कोई भी डाउट है बिल्कुल बताइए, कि सबसे पहले हम सारे इलस्ट्रेशन के क्वेश्चन ही सॉल्व करने वाले हैं, लगातार आपको बने रहना पड़ेगा। थैंक यू एंड बाय।